आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई ODOP के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग को बढ़ावा देने संबंधित बैठक। कहा, रेडीमेड गारमेंट्स हब के रूप में जनपद को करें विकसित, उपलब्ध कराएं रोजगार। प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के उप समायुक्त AK सिंह को किया निलंबित। पद का दुरुपयोग करके गैर कानूनी तरीके से अवैध रुपया वसूली करने एवं भ्रष्टाचार का था आरोप। कानपुर मुख्यालय से किया संबद्ध। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा। मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ाए जाने सहित दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर चौराहे पर दो डंफरों में हुई भिड़ंत। गंभीर रूप से घायल हुए ड्राइवर CO कैंट ने कहा, स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति सामान्य, नहीं हुई कोई जनहानि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई PM स्वनिधि योजना अंतर्गत 1 से 6 मार्च तक लगाए जाने वाले विशेष लोन मेला अभियान संबंधित बैठक। योजना की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कहा, लाभार्थियों को समय से उपलब्ध कराएं योजना का लाभ। सोमवार की रात गश्त के दौरान देसी तमंचा व कारतूस के साथ पूर्व में लूट के अपराध में जेल गए शातिर अपराधी को बेलीपार पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक। विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किए गए बजट की हुई समीक्षा। नए बजट के लिए प्रस्ताव पेश करने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं के विकास खंड स्तर पर प्रगति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव के साथ ही दंगों से निपटने को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड पर दंगा नियंत्रण का किया गया आयोजन। भीड़ और अराजक तत्वों से निपटने को लेकर कई कारगर हथियारों को चलाने का कराया गया अभ्यास। राप्ती तट पर नव निर्मित घाटों का महापौर सीताराम जायसवाल ने किया निरीक्षण। लोगों से की अपील। कहा, नदी में न फेंके कूड़ा करकट, सफाई पर रखे विशेष ध्यान, नदी को रखे शुद्ध व पवित्र। पंचायत चुनाव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर पुलिस सतर्क। SP साउथ ने कहा, पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर की जा रही है कार्रवाई। आलू के थोक रेट में आई गिरावट। 12 रुपए किलो आलू लेकिन 48 रुपए किलो के पार पहुंचा प्याज। नवीन महेवा गल्ला मंडी के सचिव ने लोगों से की अपील। कहा, सस्ते आलू प्याज के लिए मंडी में आकर करें खरीदारी। SP क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मासिक बैठक हुई संपन्न। विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। DVNPG कॉलेज के 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर के प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। मुख्य अतिथि ने कहा, सेवा स्वावलंबन और अनुशासन सिखाता है प्रशिक्षण शिविर। गोरखपुर में मंगलवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,458। अब तक 365 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 19 रह गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया से हुए रूबरू। कहा, देश में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है पूर्वांचल का समग्र विकास। 8 सूत्रीय मांग को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले विद्युत संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन 4th दिन भी रहा जारी। मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के विजयी खिलाड़ियों को महापौर ने माल्यार्पण कर किया सम्मानित। खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों ने किया अच्छा प्रदर्शन। दर्शकों ने खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन।